बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुखर्जी का, शर्मिष्ठा जी का, विशेषकर हमारे सुभाष चोपड़ा जी का आभारी हूं, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। सुभाष चोपड़ा जी का पहला साक्षात्कार है प्रेस के साथ प्रेसिडेंट बनने के बाद दिल्ली गए, और मेरा भी पहली बार आगमन हुआ है यहां पर, यानी मैं भी इस मामले में पहली बार पदार्पण कर रहा हूं आप लोगों के सामने कांग्रेस के दफ्तर में, और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी, भाग्यशाली मानता हूं। अभी जो सुभाष चोपड़ा जी ने बात कही है, हालांकि हम लोग मुख्यतः बैठे थे आरसीईपी पे, उसका जिक्र करने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में। बहरहाल आपने सुना कि जितनी जोर शोर से उसके खिलाफ आवाज उठी, और जिस तरह से हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जितने बुलंद तरीके से बोल्डली एंड ब्यूटीफुली पेश किया, उससे क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है चाइनीज गुड्स का और बाकी विदेशी सामानों का, एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा हमारे मिडिल क्लास या हमारे फैमिलीज के अलावा, हमारे फार्मर्स पे क्या गुजरेगी, हमारे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगी, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज पे क्या, उसका सारा जो बयान किया तो लोगों के होश उड़े। उसका साथ दिया उनका इस मामले में आप लोगों के साथ साथ राहुल गांधी जी ने भी, प्रियंका जी ने भी, और तमाम लोगों ने, मैंने भी परसों ट्वीट किया था इसी मुद्दे पे, ये करके आज खुशी है कि जिस मुद्दे पे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय गए थे वहां पे, और उन्होंने पहली बार, जो होता नहीं है, चंद रोज में चंद दबाव के बावजूद की वजह से मिड एयर फेयर चेंज किया। मिड एयर फेयर कभी चेंज नहीं होता है। वहां बैठ गए थे, कल तक ये बयान आ रहा था कि हम इसको डिफर कर रहे हैं, और आज ये बयान आता है कि हमने इसको बंद कर दिया। ये मिड एयर फेयर चेंज हुआ है, ये कभी शायद ही होता, जो आज आपने उसका एग्जाम्पल देखा। हवाई जहाज के उड़ान के बीच में नहीं कर सकते हैं कि आपका दाम ज्यादा हो गया, कम हो गया, पेट्रोल ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन यहां हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का दबाव रहा, हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का के बयान और उनकी वाणी के परिणाम स्वरूप ये बंद हुआ, ये रोक दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे ज्यादा अगर हित में हुआ तो राष्ट्र के हित में हुआ, हमारे किसानों के हित में हुआ, हमारे गरीबों के हित में हुआ, हमारे दुकानदारों, छोटे छोटे ट्रेड करने वाले, उनके हित में हुआ, तो नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, ये अच्छी बात और बहुत ही इसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने अगर देखा होगा तो ये गाथा जो चल रही है, ये शुरुआत हुई थी नोटबंदी के जमाने से, और नोटबंदी जो हुआ उस पर आपने एक चीज देखी होगी कि सबसे पहले चंद लोगों ने जो सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी नोटबंदी के खिलाफ, उसमें एक नाम मेरा भी आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर अगर कीमत चुकानी पड़ी तो उसका हमें कोई अफसोस नहीं, बल्कि खुशी ही है, क्योंकि मेरा सबसे पहला कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है, लोगों के प्रति है, और हमारा ये भी मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो देश हित में अगर हमने जो काम किया और उसके लिए अगर उन्हें नहीं समझा उसका भी, तो स्वागत है उनका। लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब नारा देखता हूं तो लगता है कि नोटबंदी की शुरुआत की, बेरोजगारी तो बढ़ी गई, फैक्ट्री तो बंद हुए ही हुए, एक से एक त्राहीमाम स्थिति में लोग पहुंच गए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुई, सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा तो हमारी घर की मां बहनों को, जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए, बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए छुपा छुपा के अच्छी नीयत से ही मगर सही काम कर रही थी,
अच्छी नीयत से पति को बगैर बताए हुए, पुत्र को बगैर बताए हुए तकिया के नीचे आलमीरे के पीछे जो पैसा रखा था उन्होंने सब जोड़ लें तो शायद करोड़ों अरबों में आ जाएंगे। और सारे पैसे अचानक एक तुगलकी फरमान के बाद हवा हवाई हो गए, आज तक उससे हम निकल नहीं पाए। अब उसके बाद जो रही सही कसर रही बेटी पढ़ाओ के लिए बेटी बचाओ के लिए जो पैसे जमा थे वो भी कहां हवा हवाई हो गए। उसके बाद अभी निबट नहीं पाए थे कि नीम पे करेला हो गया, फ्लॉड कहे कॉम्प्लिकेटेड कहे जीएसटी हो गया। एक से बड़े अर्थशास्त्री सुभाष जी ने कहा, हमारे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और बड़े बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री मना कर रहे थे, कह रहे थे इससे बहुत जीडीपी में भी घाटा होगा, बुरा होगा। कोई राय मशवरा करने वाली बात ने सोचा भी नहीं। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट के अंदर में वो लीगलाइज ब्लंडर और क्या वो प्लंडर उसका जो बहुत मशहूर उनका बयान था वो आया वहां पे, उसके अंदर के दर्द को समझना चाहिए था। और राष्ट्रहित में बयान था कि सत्ता का मतलब है सरकार, सत्ता का मतलब सत्ता सेवा का माध्यम है, मेवा का माध्यम नहीं है। इसी मेवा दिखाई पड़ रही सत्ता के लोगों को वो सही नहीं है। लेकिन वो हुआ होते होते अभी कगार पे आके आपने देखा होगा जीएसटी के बारे में, इनके बारे में भी डॉक्टर अभिजीत बैनर्जी जो अभी अभी नोबेल प्राइज मिला, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मुबारकबाद तो दी लेकिन बड़ी देर से दी, बहुत देर बाद दी, उन्होंने भी कहा, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि कान पे जू नहीं रहेंगी। और आगे बढ़ते गए कि आज हिंदुस्तान में 45 सालों में, आपको तो ज्यादा पता है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रूस पे है, रूस पे तो आज है किस सरकार के अधीन है। और कोई सवाल करो तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया और फलाने ने ये किया और आपके टाइम यूपीए में क्यों हुआ। हर 6-7 साल से तो आप हैं अभी और बहुत पुख्ता तरीके से हैं, भले उसके बुनियाद में ईवीएम हो चाहे जो हो, लेकिन आप हैं तो बहुत पुख्ता तरीके से। तो आपने करेक्टिव मेजर्स क्या लिया, क्या किया आपने सिवाय इसके कि जो इंदिरा के वक्त में यूपीए के वक्त में जो प्रोजेक्ट आए थे उसका उद्घाटन किया, एक नया जामा पहना के किया कराया सब उनका, और जहां कोई शिकायत की बात आई तो हमने सारा दोषारोपण कर दिया उस पर। पास में न जाइए, पास की भूत के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, ये बताइए। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे राह भरों से खिला नहीं, तेरी राह गुजर का सवाल है। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम का, अगर होता तो गजब, यानी गजब नहीं होता बल्कि एकदम कहर डाल देते हमारे ऊपर। उसके लिए हम कांग्रेस के बहुत आभारी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के बहुत आभारी हैं और आप तमाम मित्रों का, जो उसके बावजूद अंकुश और दबाव के बावजूद आप लोगों ने बातें उठाई, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। आज बस इतना ही कहना चाहूंगा और उसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल जवाब हो तो शर्मिष्ठा जी है, सुभाष जी ने बाकी लोग अध्यक्ष जब भी आए पढ़ा दीक्षित जी भी हैं, सारे काफी लोग बूढ़ी लोग आपके सामने हैं, बस अब तुम्हारे हैं, तुम्हारी है तुम भी संभाल रहे दुनिया। शर्मिष्ठा देखिए, दोस्ती और प्रदूषण ये तो दो अलग इशू है। दोस्ती तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तौर पे। अभी प्रदूषण जो है वो पूरा देश है, खासकर दिल्ली प्रदेश पूरा सफर कर रहा है। इस पे सबकी चिंता स्वाभाविक है और मैं इस समय समझता हूं कि इस पे बातें कम हो, समाधान लेकर लोग ज्यादा आए। जैसे आज कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का हमने ऑब्जर्वेशन और जजमेंट पढ़ा, अभी जवाबदेही फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो तो होता रहेगा। अभी शॉर्टकालिंग क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आज सुना है कि थोड़ा बेहतर है सिचुएशन, लेकिन सिर्फ बातें करने से या सिर्फ ऑड इवेंट से इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। थैंक यू सर। Responsible. Their families are coming out in protest, and they are saying that they are unsafe.
What does it talk about the law and order that's happening in the national capital? Ma'am, please come, ma'am. देखिए आपने बहुत अहम सवाल पूछा। जो पहले दिन हुआ, पहले दिन जिस तरह से वकीलों के ऊपर अत्याचार हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं वहां गया, एक मेरी बेटी समान चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी थी, उसको उसके चैंबर से निकाल के पुलिस ने जैसे पीटा, उसके चैंबर को टैंसलेस किया। आप वकीलों के साथ अगर वो कोर्ट के अंदर भी वकील फेंकने तो कहां थे? नोबडी कैन एप्रिशिएट। लेकिन जो अत्याचार जो वकील भाई बहनों के साथ हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं एंड वी स्टैंड बाय दैट। थैंक यू। बाय। देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था लहूलुहान हो चुकी है, लेकिन चंद चरण लोग वर्दी वाले रहम की भीख मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल अब यह उठता है, कांग्रेस का क्या स्टैंड? अभी चोपड़ा साहब ने कहा कि वकील की भी गलती है, पुलिस वालों की भी गलती है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि हमें सुरक्षा दो। दिस इज स्टेट ऑफ अफेयर, दिस यू मस्ट आस्क द, यू सी, यू मस्ट आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर इज द होम मिनिस्ट्री? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दैट। पहली बात तो चिंताजनक स्थिति है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, देखने को आ रहा है कि हमारे अपने घर की पुलिस जो है वही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। हमारी होम सिक्योरिटी कहें कि घर की पुलिस कहें, उसको हमने नहीं महसूस कर रही। वहीं दूसरी तरफ जो चित्कार आप देख रहे हैं, जो दर्द देख रहे हैं वकीलों का, उसके दोनों के पीछे एक गहन जांच तो खैर होनी ही चाहिए, समाधान तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, इन द सेंस गवर्नमेंट की बारी है। हमारे ये माननीय गृहमंत्री जी इस मामले में उनको सामने आना चाहिए, और माननीय गृहमंत्री जी को सामने आके सिर्फ समाधान ही नहीं बल्कि तुरंत बयान भी जारी करना चाहिए सच्चाई के आधार पर, ताकि हम सब उससे ये ना सिर्फ लाभान्वित हों कि हमारी चिंता पे थोड़ी चिंता कम हो, और इसका आगे ऐसा हो कि क्या इसके मामले में डिटरेंट कर सकते हैं। यही मैं समझता हूं देश का भी स्टैंड है और ये हमारे कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी, जी।